हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड लोटस टी कैंडल होल्डर का वीडियो शूट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने पिंक कलर का लिया है। रेजिन और हार्डनर मिक्स करना कैसे करना है, हमें कितने रेशियो में लेना है, वो सब मैंने फर्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर कर दिया है। आप लोग सब जाके मेरे चैनल पर फर्स्ट वाला लोटस टी कैंडल होल्डर वाला वीडियोज़ देख लीजिएगा। ये मैं अब सेकेंड बना रही हूँ, उसमें मैंने बहुत सारे कलर मिक्स किए थे। इसमें मैं सिर्फ पिंक कलर एक सिंगल कलर का बनाऊंगी, फिर देखते हैं कि इसका लुक कैसा है। तो आप इसको इस तरीके से पोर करते जाइएगा और ध्यान रखिएगा, जब आप पोर कर रहे हो तो मोल्ड को आप ऊपर नीचे ज़रूर हिलाइएगा और स्टिक की मदद से हर एक एजेस के अंदर आपको स्टिक इंटर करना है। हर एक कोने में आपकी जो आइसक्रीम स्टिक है वो जानी चाहिए। जिस तरीके से मैं हिला रही हूँ वैसे ही आपको इसे मूव करना है। और जिस तरीके से स्टिक देखिए मैंने अंदर की साइड किया है ना, वैसे ही आपको करना है। आप लोग को कुछ भी क्वेरीज होती है ना, जो फॉर बिगनर्स है, एडवांस रेजिन आर्टिस्ट के लिए मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज वो खुद ही इतने अच्छे हैं तो वो उनके लिए तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। बट जो बिगनर्स है, जो एकदम नए नए आए हैं जिन्हें कुछ नहीं पता, उन लोगों को अगर कुछ भी क्वेरीज़ है तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैं उनसे ये भी कहूँगी कि अगर वो बिगनर्स के लिए ही मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ और अगर उन्हें एडवांस कोर्स सीखना है तो वो एडवांस रेजिन आर्टिस्ट के बहुत सारे वर्कशॉप आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं, आप वहाँ से वर्कशॉप सीख सकते हो। थोड़ा सा कॉस्ट है उनके, आपके अकॉर्डिंग अगर आपके अकॉर्डिंग अगर सही है तो आप पेड करके सीख सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा रेजिन का मैंने ये बच किया था, ये दूसरा वाला मैंने इसमें हार्ट शेप का टी कैंडल होल्डर है ये भी मैंने इसमें पोर कर दिया है। और एक मैं ओम का बनाऊंगी, आप देख सकते हैं की चेन का राउंड शेप है, उसके अंदर भी मैंने पोर कर दिया। यानी कि जो मेरे एक के जो रेजन हार्डनर का कप का मेज़र किया था ना, उसमें मेरे ये तीन आइटम्स बन गए। एक बेस रेडी हो गया मेरा कार होल्डर के लिए, जो की चेन के शेप का आप देख सक रहे होंगे। उसमें मैं अभी और भी काम बाकी है उसमें, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। आज सिर्फ वीडियोज़ लोटस के ऊपर था, एक सिंगल कलर का। 2 दिन हो चुके हैं ड्राई होने में, काफ़ी टाइम लगा था। 3-1 रेशियो अगर आप यूज़ करते तो 2 दिन प्रॉपर लगता है, उसके बाद ही आप मोल्ड को इस तरीके से, जिस तरीके से मैं स्ट्रेच करके निकाल रही हूँ वैसे आप निकालिएगा। एक और तरीका है कि जैसे आप एकदम चिपक गया है फिर आपसे निकल नहीं रहा, तो आप ना पानी डालिए, वाटर की मदद से भी इसको हल्का सा ऊपर के हिस्से को गीला कीजिएगा, फिर आपका मोल्ड आराम से आसानी से निकल जाएगा। और अगर आप कुछ भी दिक्कत आ रही है मोल्ड निकालने में तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। होप सो मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई तो ज़रूर करूँगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में आपकी मदद कर पाऊँ। ऐसे और अच्छे वीडियोस देखने के लिए मुझे कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप चाहते हो कि पहले आपको मेरी वीडियोस मिले तो उसके लिए बेल आइकन बटन को ऑन करके ज़रूर रखिएगा। मेरे वर्कशॉप के रिकॉर्डिंग वीडियोज़ के लिए बनाया था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।